वो लंबे बाल में और काली शर्ट में नाच रहा ना, वही है लड़का। ये तो खानदानी कंगाल लगता है, दाढ़ी बनाने तक के पैसे नहीं इसके पास। अबे नाचना बंद कर, लड़की वाले तुझे देखने आए हैं। अरे इसके ऊपर कोई भूत या चुड़ैल का साया है। अरे बंद करना यार, देख के चक्कर आ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग खुशी मनाने के लिए नाच रहे हैं। ये मेरे बाप का दुश्मन था, ये मर गया इसीलिए नाच रहा हूँ। फिर तो मैं भी नाचूंगा। क्या पहल की तरह मुंडी हिला रही है, चल। अरे जल्दी निकल भगवान, नहीं तो ये भूत आ जाएगा। पत्थर, बंजर जमीन और नारियल का बचा कुचा पेड़। शादी के बाद ये सब कुछ आपकी बेटी को ही मिलेगा, और ये बैलगाड़ी। वाह, इससे ज्यादा तो मेरे नौकरों के पास है। पता नहीं क्यों आ गए, ये पहाड़ भी नहीं का ये। अरे शर्मा जी आइए ना, आइए बैठ के देखिए। नाश्ता कीजिए ना। इतनी दूर से हम यहाँ सिर्फ ये नाश्ता करने आए हैं? यहाँ कोई केक वेक नहीं बनाता क्या? केक यहाँ घर का ठिकाना नहीं है, मुझे केक चाहिए। अरे केक, पहले ही सब सच बता देता हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब तक जो कुछ भी कमाया था सब किश्तों में चला गया। सरकार ने डैम बनाने के लिए हमसे हमारी उपजाऊ जमीन ले ली और ये बेकार जमीन दे दी, इसलिए हम अब मेरे पास खुद की बस एक चीज बची है, और वो एरोप्लेन कंपनी शुरू करने का आइडिया। उसके लिए 24 बैंकों ने लोन रिजेक्ट कर दिया। अबे दड़ियल, 24 बैंकों ने रिजेक्ट किया है तो मेरी बेटी ने भी 20 लड़कों को रिजेक्ट किया। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। बोली हरिश्चंद्र की औलाद। चुप। बाकी लड़कियों की तरह सिलाई विलाई करना, खाना बनाना, पति की सेवा करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं नहीं, मेरी भांजी मजाक कर रही है, इसे ये सब आता है ना? सच हाँ, बताओ बेटा। पर ये करना नहीं है, मुझे खुद का बेकरी बिजनेस करना है। हाँ हाँ कर लेना, तुम बेकरी चलाना और मेरा बेटा प्लेन उड़ाएगा। चलो पहले खाना खा लो। हाँ हाँ भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। चलो रुक जा रुक जा रुक जा। देखिए हम लोग इतने भी भूखे नहीं कि रिश्ता होने से पहले लड़के वालों के घर पे खाना खा लें। और हम इतने भी गिरे हुए नहीं कि मेहमान को भूखा जाने दें। कहा चलिए ना, चलिए चलिए। अरे आओ ना। अच्छा ये सचमुच वाला प्लेन ला रहा है? हाँ। या खिलौने वाला प्लेन लेकर आ रहा है? मामा जी एक बात बताइए, आपने कभी असली प्लेन देखा है क्या? अरे देखने की बात करते हो, मैंने प्लेन उड़ाया है। अरे मेरा एक दोस्त पायलट है, उसके साथ मैं जाता हूँ, और जब वो बीड़ी पीने जाता है ना तो प्लेन मैं चलाता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कई बार प्लेन उड़ाया है। ये तुमको प्लेन के लिए पैसा कौन दे रहा है? ये सब बातें हम करेंगे, तू क्यों पूछ रही है? पढ़ी लिखी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो तुम्हें 20 लड़कों ने मना कर दिया? तुम्हें 24 बैंकों ने लोन के लिए मना किया, पहले उस बारे में बात करें। बैंक के लोगों में अकल कम थी। हाँ तो उन लड़कों में भी अकल कम थी। कितने सवाल कर रही है, चुप चुप खाना खाना। एक दो तीन, सिर्फ तीन चीजें। एयरप्लेन कंपनी शुरू करना तो बहुत आसान है, बेकरी शुरू करना तो उससे भी आसान है, तो अभी तक शुरू क्यों नहीं की? बेसिक चीज ही नहीं मिली, पैसा धीरे धीरे जमा कर रही हूँ, बाकी सब तो समझा, लेकिन ये संतूर कैप्सूल क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ला दे। बैंक हमें कर्जा देती है तो कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी के लिए तुम्हारा आइडिया ही तुम्हारी गारंटी है। अगर उन्हें आइडिया पसंद आ गया तो वो पैसे दे देते हैं। ओह, तब तो मेरे को भी वीसी चाहिए। ये कौन है, वीसी है क्या? परेश गोस्वामी, जैज एयरलाइंस के मालिक। उन्होंने अपनी एयरलाइन कंपनी का सपना पूरा किया बिना किसी सहारे या मदद के। मेरे हीरो हैं। ये लो, इस गरीब देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, छत नहीं, उन्हें आखिर प्लेन की क्या जरूरत? बापू, 100 साल पहले लोग कहते थे कि बिजली की जरूरत नहीं, 50 साल पहले कहते थे गाड़ी क्यों चाहिए। कौन करता है ये फैसला? अब क्या अमीर ही गरीब के लिए फैसला करेगा? आपको कुछ नहीं पता, दिल लगा के खाना खाओ। लड़की बड़ी होशियार है। मेरी हाँ है। क्या कहा? तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है यार। हाँ? मेरे को सोचने का वक्त तो दे। कभी कभी सोचने के बाद भी हम आखिर वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना है?